कैसे हैं आप सभी। तो आज के वीडियो में हम फर्स्ट बूट करने वाले हैं ओप्पो A3s का। अब यह नया डिवाइस लॉन्च किया है, A3s 2GB 16GB 2018 में भी 2GB का रैम एंड 16GB का इंटरनल स्टोरेज। वाओ, क्या सोच रहे थे ओप्पो। सो मे बी उन्होंने डिसाइड किया कि बेटर कैमरा एंड बैटरी बैकअप दे दे तो लोग ले लेंगे। चलिए वो भी टेस्ट कर देते हैं। लेकिन आज के वीडियो में, अभी के वीडियो में हम देखने वाले हैं फर्स्ट बूट। तो फर्स्ट टाइम आप कैसे अपने मोबाइल को सेट कर सकते हैं वो वाला देखेंगे हम। चलिए ऑन करते हैं इस मोबाइल को पहली बार इस चैनल पर। तो ये रहा A3s, ओप्पो A3s को हम ऑन करेंगे। जस्ट पावर ऑन, देखते हैं बैटरी कितना बचा है। ओप्पो पावर्ड बाय एंड्रॉयड, ऑफकोर्स पावर्ड बाय एंड्रॉयड। इसको ऑन होने देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन बेल पर अगर आप ऐसे टैप करेंगे तो आपको नोटिफाई होगा जब भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ। बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस भी अपलोड किया हूँ, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर, ब्राउज करके देखिए, बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको। तो ये रहा ओप्पो का बूट, एंड पहला आप देखेंगे सेलेक्ट लैंग्वेज। तो लैंग्वेज सेलेक्ट करना है जल्दी से, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स या फिर हिंदी का हो, कोई भी कोलकाता का, या फिर अपना कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो, यहाँ से आप चॉइस कर सकते हैं। पहली बार ही आप अगर चॉइस कर देंगे तो फुल इंटरफेस आपको वही लैंग्वेज में मिलेगा। देखिए, अभी इजी करने के लिए मैं इंग्लिश ले लेता हूँ, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स। तो उसके बाद कंटिन्यू पर टैप करना है आपको। तो कंटिन्यू के बाद यहाँ पर कनेक्ट टू वाईफाई करके पूछेगा, यानी कि अगर आपके घर में इंटरनेट है, इंटरनेट का कनेक्शन, तो ज़रूर आप इंटरनेट को कनेक्ट कीजिएगा। कुछ अपडेट्स अगर है तो ऑटोमेटिकली जब ऑन होगा मोबाइल तो डाउनलोड हो जाएगा। अभी के लिए हम स्किप करेंगे इसको यहाँ से। तो स्किप करने के बाद टर्म्स ऑफ यूज़, यहाँ पर ज्वाइन यूज़र एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट है। अगर उनका एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट पर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप इनेबल कर सकते हैं, अदरवाइज डिसेबल। ये थोड़ा बैटरी भी खा लेगा और उसके साथ वो अपना इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करेंगे, तो इसलिए अभी के लिए हम स्किप कर देते हैं। यूज़र एग्रीमेंट, प्राइवेसी पॉलिसी, आई एक्सेप्ट, आई हैव रेड, ये तो टिक करना पड़ेगा। चलिए कंटिन्यू। उसके बाद गूगल सर्विसेज, यहाँ पर अगर आप लोकेशन अभी ऑन करना चाहते हैं गूगल सर्विसेज थ्रू तो ऑन कर सकते हैं। लोकेशन अगर डिसेबल करना चाहते हैं यहाँ से डिसेबल करें, बाद में भी आप नोटिफिकेशन से लोकेशन को ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेंड सिस्टम डेटा, ये भी एंड्रॉयड को डायग्नोस्टिक करने के लिए चाहता है, तो आप एनेबल करके छोड़ दीजिए। ऐसे वो एवरेज लेंगे सभी का, मोबाइल का जो भी प्रॉब्लम रहता है, तो उसके बाद वो डिसाइड करके अपडेट्स रिलीज करते हैं। तो अगर आप उस सेंड सिस्टम डेटा को एनेबल करना चाहते हैं तो एनेबल कर सकते हैं, अदरवाइज डिसेबल कर सकते हैं। एंड वो थोड़ा बैटरी भी आपका खा लेगा, तो इसलिए मैं अभी डिसेबल कर रहा हूँ, तो आप भी डिसेबल कर सकते हैं। एंड बाद में यहाँ पर आई एग्री पर टैप करना है। तो उसके बाद फेस एंड पासकोड, फेस से अनलॉक कर सकते हैं आप ओप्पो A3s को, एंड पासकोड से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट नहीं मिल रहा है, तो ओप्पो A3s में फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है, तो फेस एंड पासकोड से ही आपको अनलॉक करना है। तो अभी हम सेटिंग्स पर जाके फेस अनलॉक करेंगे, उससे पहले पासकोड देना है। तो जस्ट 1 2 3 4 5 6 जनरल एक पासकोड देंगे, लॉक स्क्रीन। तो अगर ये वो बोल रहा है कि कॉमनली यूज्ड है, तो कुछ ट्रिकी वाला पासवर्ड पासकोड नंबर डालो करके, लेकिन चलिए यहीं यूज़ करते हैं अभी फ़िलहाल। 1 2 3 4 5 6 जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन। आप अपना कोई भी नंबर हो वो दे सकते हैं। एनरोल फेशियल इन्फो, तो फेस से अनलॉक करने के लिए फेशियल इन्फो कंटिन्यू पर टैप करेंगे तो सामने का कैमरा एक्टिवेट होगा। ये रहा मेरा फेस, तो अभी क्या करता है वो, दो दो फेस रिकॉग्नाइज हो रहा है, नहीं तो चलिए फिर से फेस देते हैं। टर्निंग ऑन रेस टू टर्न ऑन स्क्रीन, यानी कि अगर आप मोबाइल उठाएंगे तो तब वो टर्न ऑन स्क्रीन होके फेस रिकॉग्नाइज करके अनलॉक होगा, तो ऑन कर सकते हैं या फिर कैंसिल कर सकते हैं। वाईफाई असिस्टेंट, यानी कि इंटेलिजेंट स्कैन करता है वो दूसरे वाईफाई नेटवर्क को, अगर नेबर्स का वाईफाई है, आप अगर उनका पासवर्ड जानते हैं तो आप वहां से यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसे वाईफाई असिस्टेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए ऑफ करेंगे क्योंकि यहाँ पर नेबर्स का वाईफाई नहीं। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर अपडेट्स, ऑटो अपडेट ओवरनाइट। तो ओवरनाइट अगर रात में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं तो वैसे आप इनेबल कर सकते हैं, अदरवाइज डिसेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंटिन्यू। यहाँ पर इंपोर्ट डेटा, अगर अपने दूसरे फ़ोन से आप यहाँ पर इंपोर्ट करना चाहते हैं डेटा, जब ये न्यू डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, अपने पुराने मोबाइल में जो भी डेटा है वो वहाँ से यहाँ पर कॉपी करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ओके टैप करके इंपोर्ट फ्रॉम एन एंड्रॉयड फ़ोन, इंपोर्ट फ्रॉम एन आईफोन, तो जो भी अपना फ़ोन है वहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज सेट एज न्यू ओप्पो फोन एंड वेलकम यहाँ पर है। तो गेट स्टार्टेड, कलर ओएस जर्नी। ये रहा ओप्पो A3s का पहली बार इस चैनल पर आपके सामने होम स्क्रीन।
तो बहुत ही ब्यूटीफुल वॉलपेपर दिया है इन्होंने इसको और भी खूबसूरत करने के लिए। ऑलरेडी एक ब्यूटीफुल रेड लुकिंग फ़ोन है ही, एंड एट दिस प्राइस पॉइंट ऑफ कोर्स 2 GB 16 GB बहुत ही कम होगा। आप 3 GB नेक्स्ट 32 GB का लेंगे तो अराउंड 13,000 रुपीज़ में मिलेगा, वो वाला बेटर बाई है। लेकिन फिर भी क्या हुआ, 2 GB 16 GB नो प्रॉब्लम, क्योंकि आप माइक्रो SD डाल के एक्सपेंड कर सकते हैं इस मोबाइल का स्टोरेज। तो वैसे यहाँ पर देखिए बहुत ही स्मूथ है 2 GB होने के नाते। तो जल्दी से अभी हम सेटिंग्स पर जाएंगे और देखते हैं कि कितना बचा है रैम, तो स्टोरेज भी कितना है देख लेंगे हम। तो यहाँ से पहले अबाउट फ़ोन को जाएंगे एंड यहाँ पर 8.1 जो कि लेटेस्ट ओरियो चल रहा है अभी इसमें, एंड यहाँ पर देख सकते हैं स्नैपड्रैगन का 450 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। अभी ये स्नैपड्रैगन का 450 एंड उसके साथ जो अंदर ऑक्टा कोर A53 कॉर्टेक्स A53 का जो है वो बहुत ही कॉमन, अगर आप 20,000 रुपये का सैमसंग का फ़ोन लेंगे तो भी वहाँ पर वहीं डाला है। तो नथिंग इज स्पेशल हियर, आप 10,000 के ले रहे हैं तो वहीं मिलेगा आपको प्रोसेसर एंड चिपसेट, तो अगर आप 15,000 का ले रहे हैं तो वहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर 2 GB रैम है, अवेलेबल स्टोरेज सिर्फ 7.73। ये एक बहुत ही डिसएडवांटेज एंड डिसअपॉइंटिंग थिंग है आप आज के ज़माने में मोबाइल ले रहे हैं तो। खैर अगर ओप्पो ने डिसाइड किया है तो आपको इससे ज़्यादा बैटरी बैकअप मिलना चाहिए। तो अगर एक बहुत ही बड़ा बैटरी बैकअप आप चाहते हैं, ज़्यादा बैटरी बैकअप वाला, तो आई थिंक दिस फोन मेक्स सेंस। तो यहाँ पर देखिए ऐप मैनेजमेंट है, गेम स्पेस है, ऐप मैनेजमेंट से आप लॉन्चर्स बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट लॉन्चर वो सब, तो डिफ़ॉल्ट ऐप रखने के लिए यहाँ पर है। एंड यहाँ से हम अगर बैटरी पर जाएंगे तो ये वाला बैटरी पावर सेविंग मोड है, स्मार्ट पावर सेवर है, ऐसे ढेर सारे हैं, परसेंटेज भी आप लगा सकते हैं वहाँ। यहाँ से देखिए शो बैटरी परसेंटेज ऑन स्टेटस बार, एंड अगर जल्दी से अगर हम कैमरा ओपन करेंगे इसका तो इंटरफेस देख लेंगे कैमरा का भी। ओके, एंड ये रहा कैमरा यूज़र इंटरफेस। कुछ ऑब्जेक्ट रखता हूँ मैं सामने, तो इसका डिटेल से मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, बने रहिए हमारे चैनल पर, कैसे आप बेहतर इन इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं। वैसे सारे मोबाइल्स का बनाता हूँ मैं, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो। तो देखिए यहाँ पर HDR है, टाइमर है, फ्लैश है, एंड यहाँ से आप फुल स्क्वायर एंड स्टैंडर्ड कर सकते हैं, एंड यहाँ पर जूम है 1x to 2x, अगर टैप करके होल्ड करेंगे तो up to 4x जूम कर सकते हैं। मुझे तो पहली बार यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है पिक्चर्स, इवन एट 4x जूम डिटेल बहुत ही अच्छा लग रहा है, कुछ नॉइस नहीं है, इवन इंडोर लाइटिंग कंडीशंस में भी अच्छा दिख रहा है। यहाँ से ब्यूटी मोड भी ऑन कर सकते हैं आप, तो ऐसे ढेर सारे ऑप्शंस है, अगर मैं अभी बताने चला तो बहुत ही लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इसको बाद में देखते हैं। तो ये था फर्स्ट अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट बूट ऑफ दिस ओप्पो A3s। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब पर जरूर ठोकिएगा, एंड मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर अपना, बाय बाय।